गली गली में शोर है, एसएससी चोर है। सरकार से यही सवाल है, इस बेरोजगारी की दवा कब तक बनेगी? हमने मेमोरेंडम भी सब जगह डाल दिया है, उसमें भी कोई हमें आंसर नहीं मिला। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। चाय बेचनी थी तो हम लोग 4 साल इतनी मेहनत नहीं करते ना मैम। देखिए, कल जिस तरह से राकेश टिकैत ने आपको आश्वासन दिया कि वो आपकी मदद करेंगे, ट्वीट करने के लिए आपको कहा गया है, कितनी उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद तो बहुत है उनसे। अभी ट्वीट तो हमने किया है और पहले भी ट्वीट किया था और आगे देखेंगे। और ट्वीट का क्या कोई जवाब मिला आपको? ट्वीट का कोई जवाब नहीं मिलता है अभी तक। हमने ऐसे बहुत से ट्वीट किए हैं लेकिन उसका अभी तक। लेकिन फिर जब राकेश टिकैत ने आपसे बोला ट्वीट करने के लिए, आपने अपनी बात नहीं रखी कि आप लोगों ने पहले भी ट्वीट आप कर चुके हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं मिल रहा? किए होंगे, उस टाइम पे मैं नहीं था यहाँ पे, तो हम बाहर गए थे। ठीक है, सर से बात किए होंगे। आप थे यहाँ पे? नहीं, कल हम यहाँ पर नहीं थे। कहाँ गए थे आप? कल हम ऑफिस गए थे, सुप्रीम मैम से मिलने गए थे। और कौन से ऑफिस? अपना ऑफिस मतलब बंगले पे, उनके बंगले पे गए थे। उनसे क्वेश्चन करने के लिए गए थे कि जो हमने निवेदन दिए थे तो उनका आपने बातचीत की संसद में कि नहीं की, उसके बारे में बात करने गए थे। बट मैडम बोले कि आज मैं जा रही हूँ, बोले कि आपकी बात वहाँ पे रखने के लिए। लेकिन क्या अभी कुछ और समय उन्होंने दिया है कि कब रखेंगी? क्या कुछ कहा इस बारे में कि कब रखेंगी आपकी बात? मैडम वही पता नहीं है कि रखे कि नहीं रखे। बस मैम ने बस कल बोल दिया कि आज रखूँगी करके, आज बात है। फिर बाद में बोले थे कि शाम को मिलती करके 6 बजे। हम वहाँ पर दोपहर से शाम तक वहाँ पर ही बैठे रहे, फिर भी मैडम का ना आता ना पता। फिर शाम को फिर उनके बंगले के सामने गए तो फिर जो गेट पे थे खड़े, उन्होंने बोले कि कल आना करके। फिर उनसे जो ऑफिस में जो बैठे रहते उनको कॉल करके बोला, तो फिर उन्होंने बोले कि कल मत आना करके, जो आपका जो इंग्लिश में जो मेमोरेंडम है वो वहाँ पे गेट पे दे दो और फिर चले जाओ करके। तो फिर उसके कारण फिर हमें शाम तक 6-7 बजे तक वहाँ पे थे और वापस आना पड़ा। उम्मीद है आपको कि वो आपकी बात सुनेंगे आगे का, जो उन्होंने कहा है कि गेट पे मेमोरेंडम दे के चले जाओ, तो आपको उम्मीद है कि वो बात सुनेंगे आप? उम्मीद तो मैडम हम सभी से रख रहे हैं मैडम, जिनके पास निवेदन रखे सभी से हम उम्मीद रख रहे हैं। पर अभी बस होप ही कर रहे हैं, पर अगर 25 तारीख के पहले अगर कुछ नहीं हुआ तो मैडम हमारे पास फिर अनशन के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अनशन तो आप लोग 21 तारीख से करने वाले हैं। अब अनशन तो हाँ 21 तारीख से तो करने वाले ही है, फिर आगे भी वही करने वाले। अगर तब तक नहीं हुआ तो फिर बाद में पश्चिम बंगाल में भी जाने की बात कर रहे थे। कब जाएंगे वहाँ पे? 25 के बाद ही। वहाँ तो अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, आप पहले क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि 27 से वहाँ पर इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। मैडम कैसा है मैडम, अभी धीरे धीरे बातें अभी समझ में नहीं आती मैडम। जैसे जैसे प्रोटेस्ट करने लगते हैं वैसे वैसे बातें समझ में आते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी वही मैडम कि धीरे धीरे अभी सोच रहे अभी सारे बच्चे। अभी तक तो हमने कभी ना अनशन किया था, ना कुछ प्रोटेस्ट किया था, ना कुछ। बस यहाँ पे आके बातें सब कुछ हमको पता चल रही है। देखिए, आज आपके प्रदर्शन का 35वां दिन है, अब और कितने दिन आगे प्रदर्शन करेंगे? मैडम जब तक हमारा सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम प्रदर्शन के रहेंगे। कल जिस तरह से राकेश टिकैत से बातचीत हुई थी आप लोगों की, उन्होंने कहा कि ट्वीट करो ताकि आपकी बात जो है वो आगे तक जा सके, कितनी उम्मीद है? क्योंकि वो लगातार भरोसा आप लोगों को दिला रहे हैं कि वो आपकी हर संभव मदद करेंगे, कितना भरोसा है आपको उन पे? उनको पूरा भरोसा है, वो हमारा साथ देंगे। हम भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए राकेश टिकैत 3.5 महीने हो गए हैं, ये किसान लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार जब उनकी बात नहीं सुन रही तो क्या उम्मीद है कि आपकी बात सुनेगी? सुनेगी मैडम, सुनेगी। जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। कहाँ से आए हुए हैं आप? उड़ीसा से मैडम। क्या बात रखना चाहते हैं आप? कब उड़ीसा से जब आप यहाँ पे आए थे, क्या उससे पहले आपने वहाँ पे अपने सरकार से बात की थी, राज्य सरकार से? हाँ बात की थी, तब वहाँ नहीं बात की थी, यहाँ अगर बात की तो सर हम लेटर लिख कर दिए है, उनका रेस्पॉन्स नहीं आया है। कहाँ पे रखा था आपने लेटर, कहाँ पे लिखा था? हम हमारा जो प्रताप कुमार षडंगी जो MP है, उनका केंद्र मंत्री, उनका पास हम लेटर लिखकर दिए थे, अभी तक उनका रेस्पॉन्स कुछ नहीं आया। कितने दिन हो गए आपको लेटर दिए हुए? करीबन 20 दिन हो गए मैडम, 20 दिन। कोई जवाब नहीं आया? हाँ मैडम, रेस्पॉन्स कुछ नहीं आया, जवाब कुछ नहीं आया। अब देखिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आप लोगों के साथ खड़ा हुआ, हमने ही मुहिम चलाई हुई है, जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, आपकी ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, तब तक हम ये मुहिम चलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अब तो हमारे जितने कैंडिडेट है, आपको आप तो हमारा स्टार्टिंग से हेल्प कर रहे हो, आपको बहुत से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
पहले तो हमारे यहाँ इतने कम संख्या में हमारे भाई इतने कंधे से कंधे मिलाकर जो हिम्मत दी है वो अब दुगुना बढ़ने वाली है, और दुगुना क्या हमें लगता है कि वो 10 गुना बढ़ने वाले थे, क्योंकि हम पहले तो कम संख्या में थे, बट जम्मू से मतलब सूचना आई है कि हजारों की संख्या में हमारे भाई कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले हैं। अब तो लड़ने में सरकार से और भी मजा आएगा। पहले तो दिल्ली पुलिस हमें तंग कर देती, बट हम अब दिल्ली पुलिस को दिखाएंगे कि एक स्टूडेंट का पावर क्या होता है। एक छात्र जब अपना तानाशाही पर उतर जाता है तो वो अच्छी तरह से दिखला सकता है कि मतलब कहाँ तक उसका सोच जा सकता है। सो अभी तक संख्या बढ़ जाएगी, आगे फिर क्या करेंगे आप? अभी तो इलीगल मतलब लीगल तरह से काम कर रहे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, अगर सरकार हमें ना हमारी बातों को मानने से इनकार कर दी तो हमारी मेहनत जो हमने 4 साल से की है उसको तो खैर ऐसे जाने ना देंगे, क्योंकि हमारी एज भी खत्म हो गई है। देखिए महाराष्ट्र से ये आए हुए हैं, 35वां दिन है आज इस प्रदर्शन का। मैं चाहूँगी आप अपनी भाषा में मराठी में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर। मी महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यावरून आलेला आहे, तर आम्हाला एक महिना होऊन 4-5 दिवस जास्त झाले तरी आम्ही इथं आलो होतो आणि तेव्हापासून खूप प्रयत्न करत आहोत, तरी आमचे आतापर्यंत काहीच निकाल आलेला नाही। सरकारकडे आमची हीच इच्छा आहे की आम्हाला लवकरात लवकर न्याय द्यावे। देखिए अभी आप 200-250 की संख्या में है, क्या और आपके साथी अभी आने वाले हैं? जी आने वाले हैं, अभी बहुत से लोग तो मतलब जो जिसको जो ज़रूरी काम था उसलिए वो घर गए हैं, लेकिन आने वाले हैं, वापस आ रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। कितने लोग अभी आएंगे? अभी करीब 1000-2000 और आने वाले हैं, इतना कंफर्म है कि आने वाले हैं, लेकिन अब देखो क्या होता है आगे। हम तो कोशिश पूरे 1-1.5 महीने से कर रहे हैं, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग फुल एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन अब हमारे तरफ से जो होता है वो कर चुके, लेकिन और ज़रूरत है हमको अब हमारे साथी की, अगर वो आते हैं तो और अच्छी बात है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हम आगे की लड़ाई लड़े, रणनीति बनाए, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। गली गली में शोर है, SSC चोर है, सही बात, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उस दिन गए SSC ऑफिस तो उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए, जैसे चोर खड़े कर देते हैं ना सिलेंडर करने के समय, जैसे हम आतंकवादी है ऐसे टाइप खड़े कर दिए दोनों हाथ, उन्होंने कुछ भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया, जैसे चोरी किए हुए हैं। यही बोलना चाहता था कि गली गली में शोर है, SSC चोर है, चोर है चोर। बस वही है जो हमारे साथ ही आएंगे, इससे हमारा संख्या बल बढ़ेगा और हमें मजबूती मिलेगी। 21 तारीख को हमारा अनशन है, हम उस अनशन को करेंगे भाई, भूख हड़ताल होगी एक तरह से, ना खाएंगे ना पिएंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी। कितने दिन की होगी? कोई अनिश्चित जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, अनिश्चितकालीन है, इसका कोई समय अवधि नहीं है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक वो चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो, हम शहीद हो जाएं, चाहे कुछ भी हो तब तक चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से देखिए कल राकेश टिकैत ने कहा था कि वो मंच देंगे आपको ताकि आप अपनी बात रख सकें, अब मंच पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? मंच पे हम जाएंगे, हम 23 तारीख को युवा दिवस है, हमारे भगत सिंह शहीद हुए थे, हम उस दिन खुलकर बोलेंगे, हम जो युवा हैं उनको यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और सभी को बताएंगे कि मोदी सरकार तानाशाही चला रही है, ऐसे ऐसे भाई ये हमारी बात नहीं है, आने वाले युवाओं का भविष्य भी खतरे में है, तो बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कोरोना है जैसे बढ़ रहा है ना ऐसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार ने कोरोना की दवा तो बना ली, लेकिन 7 साल में भी बेरोजगारी की दवा नहीं बनी, सरकार से यही सवाल है इस बेरोजगारी की दवा कब तक बनेगी। देखिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार आपके लिए ही मुहिम चला रहा है ताकि आपकी बात सरकार तक पहुँच सके। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहूँगा मैम, क्योंकि हाँ आप हमें पिछले 1.5 महीने से फॉलो कर रहे, हमें कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, आप ही कर रहे, हम लोग अभी देख रहे आप डेली न्यूज़ डाल रहे, अभी तो आप देख रहे कि हमें आके 1 महीना हो गया यहाँ पे, लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस स्टेशन में डाल के भी ले गई, दिल्ली से भी निकाल दिया हमें, कोई हमारी बात सुन के भी अनसुना कर रहा है, ऊपर से दबाव भी आ रहा है, नेशनल न्यूज़ वाला भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अभी तो हमने मेमोरेंडम भी सब जगह डाल दिया है, सब जगह डाल दिया, उसमें भी कोई हमें आंसर नहीं मिला। कल हम भी राष्ट्रपति भवन गए थे इच्छा मूर्ति के लिए, वो भी डाल दिया था ना हमने, सब लोगों ने डाल दिया था, कई बार डाल दिया, उधर गए तो वो भी बोल रहे कि इस ऑफिस में जाओ उस ऑफिस में जाओ, हमने साफ साफ पूछा कि हमारा जो मेमोरेंडम है वो उनके पास गया है कि नहीं राष्ट्रपति जी के पास, वो बोले हम नहीं बता सकते, आप अगले ऑफिस में जाइए, हम लोग अगले ऑफिस में जाने के लिए गए तो वो बोल रहे पास लेके आए, ऐसे नहीं बता देंगे, वो ऐसी दिक्कतें हो रही है। अभी 2-3 बार लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में लड़कियां भी थी ना, लड़कियों के लिए लेडीज़ कॉन्स्टेबल तो चाहिए थी, वो भी नहीं थी, मनमानी तो दिल्ली पुलिस वाले कर रहे, सब मेल मतलब
सब जेंट्स ही थे ना, लड़कियों के लिए कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। जब हमें पुलिस स्टेशन में डाल के लेके गए तभी कोरोना का कोई इनका नहीं है, सब एक बस में 40 से 50 लड़के लोग लड़कियों को डाल के लगे गए। लेकिन देखिए कोरोना के केस तो एक बार देश में फिर से बढ़ रहे हैं, आज 35-40 हज़ार के करीब केस जो हैं वो आए हैं देश में, तो अगर आपको कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पर हैं और लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। नहीं, कोरोना का कोई डर नहीं मैडम, ऐसे भी हम मर रहे हैं वैसे भी मरेंगे, कोरोना से तो हमें कोई डर नहीं है, हम ऐसे भी मरेंगे ही। अभी रोड पे अभी आ गई है ना, अभी ये कुछ नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं, अभी हमारी उम्र भी खत्म हो गई है, हमारे दिमाग। आपको नहीं लगता अब आपको जाकर वापस अपने घर किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, कुछ और पढ़ाई कर लेनी चाहिए? पढ़ाई करके क्या करें मैम, अभी इस ये भर्ती के लिए हमने 2 साल पहले पढ़ाई की थी, बाद में 3 साल इतना इंतज़ार, 5 साल इसमें ऐसे ही गवाए, अब क्या इन पे भरोसा करें, भर्ती भी नहीं निकालते ये लोग, भर्ती निकालती तो ज्वाइनिंग नहीं देती, ज्वाइनिंग निकालती तो रोक देती, स्टे देती है, ऐसा करती है, क्या करें हम लोग, हमारे पास रास्ता ही नहीं है, इसलिए तो हम 1.5-2 महीने से इधर बैठे हैं ना, सरकार बहुत बुरा कर रही है हमारे साथ मैम। आप बताइए कितने और दिन आप लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो भी सांसद हैं हम उनसे भी मिले, लेकिन वो भी कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे, इसलिए अभी देखेंगे अभी आगे क्या है। तो लेकिन जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे देंगे ये SSC वाले यानी कि गवर्नमेंट, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है मैम। अभी आगे तो हम लोग ठोस कदम उठाने वाला है, कुछ ऐसा करेंगे जो सरकार के नज़र में आ रहे हैं, हम लोग सरकार की नज़र में तो पहले से ही आ रहे हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे मैम, तो कुछ ऐसा करेंगे जिसके ऊपर सरकार हमारी बात भी सुने और ध्यान भी दे सके। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अपने आप को कुछ नुकसान कर सकते हैं, हम लोग तो बोल नहीं रहे हैं वर्दी दो। लेकिन देखिए नुकसान अगर आप अपने आप को करेंगे तो ऐसा तो नहीं है आप नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा, सरकार का कुछ नहीं होगा, सरकार जरूरी थोड़ी है वो तब भी आपकी बात सुने। कुछ तो करना ही पड़ेगा मैम, अभी हम लोग तो नारे लगा रहे हैं वर्दी दो या अर्थी दो, ये लोग वर्दी भी नहीं दे रहे तो अर्थी हम लोग तो खुद तो डाल सकते हैं ना मैम, हमारे पास अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, अभी हम लोग क्या करें, घर में जाके बैठे या वो बोल रहे हैं मोदी स्वयं रोजगार, या हम लोग पकौड़े तड़े या चाय बेचे, या चाय ही बेचनी थी तो हम लोग 4 साल इतनी मेहनत नहीं करते ना मैम, हम लोग इस परीक्षा के लिए पास होने के लिए हम लोग क्लास लगाते हैं, फिर क्लास का पैसा, फिर वहाँ ऐसे में ये लोग भर्ती के लिए 4 साल या 5 साल लगाते हैं, तो हम लोग एक ही भर्ती के पीछे दौड़ेंगे, 4 साल लगाएंगे फिर भी ये ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे मैम, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना फिर। देखिए कल राकेश टिकैत से आपकी बातचीत हुई थी, कितनी उम्मीद है कि अब आगे आपकी मदद जो है वो करेंगे? हमें तो उन पे पूरी उम्मीद है क्योंकि वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हर हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी देखेंगे वो हमारी बात कब उठाएंगे, तो पर हमें पूरा यकीन है कि हमारी बात वो जरूर उठाएंगे। लेकिन जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो आपको क्या उम्मीद है कि जब वो आपकी बात उठाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी? कैसे मैम, किसी न किसी पे उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो भी हमारे पिता समान है इसलिए हम भी उन पे यकीन रख रहे हैं। अब आगे क्या करने वाले हैं और आप लोग? आगे तो कुछ नहीं मैम, अब तो हमें कठोर पाउल उठाना पड़ेगा और हम 21 को अनशन पे बैठने वाले हैं।